subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. तो चलिए वक्त हो चला है आपके फेवरेट सीरियल यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने का। लेकिन इससे पहले बताएं आपको कि क्या कुछ हुआ बीते हुए एपिसोड में, जहां पर एक तरफ देखने को मिला कि नायरा जैसे ही जानती है कि कायरव सुरक्षित है और ये सब कुछ हुआ है उस शख्स की वजह से जो कि कायरव का नकली पापा बना हुआ है। पहले नायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कार्तिक को मैसेज करने लगती है। पहले तो कॉल करती है कि तभी दादी के कहने पर कार्तिक कॉल नहीं उठाता और वो मैसेज पर ही नायरा से बातें करने लगता है, जहां पर दोनों के बीच छोटी सी तो मैं हो जाती है और नायरा को लगता है कि कार्तिक बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान है जो कि उसको भाव नहीं दे रहा। पहले आपको बताएं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक एग्जीबिशन के अंदर नायरा को पता चल जाएगा कि कार्तिक भी गोवा आया हुआ है और वो गोवा अकेला नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ आया है। तो नायरा को लगेगा कि कार्तिक अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और वो नायरा को भूल चुका है, जो बात नायरा को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी और वो रोने लगेगी। इसके साथ ही आपको बताएं जल्द ही शो के अंदर कार्तिक नायरा का आमना सामना होने वाला है और सामने सामने के बाद होगा कुछ, क्योंकि कार्तिक का गुस्सा फूट पड़ेगा नायरा पर, क्योंकि नायरा ने जो झूठ बोला है इतना बड़ा कि वो 5 साल से गायब थी और साथ ही मौत का झूठा ड्रामा कर रही थी। जिस बात को लेकर कार्तिक ढेर सारे सवाल करेगा नायरा से और उससे लड़ाई झगड़ा भी करेगा, जिस बात का इफेक्ट पड़ेगा कायरव पर, क्योंकि कायरव ये बिल्कुल नहीं देख पाएगा कि उसके मम्मी पापा इतनी बुरी तरीके से झगड़ा करें। अब ऐसे में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि कार्तिक नायरा की लड़ाई कैसे खत्म होगी और कैसे कायरव इन दोनों को एक करेगा। क्या कुछ होगा आने वाले एपिसोड में इस बात की जानकारी लेकर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निजम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.